एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। से जो हमारे फेकनेस होते हैं हम एक बार लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो नेल पेंट होती है वो रह जाती है, सो वो छुट्टी भी नहीं है। तो इसलिए आज हम इसे हील करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको अपना फेक नेल खरीदना है, जिससे आपने जो नेल पेंट लगाए थे वो रह गए हैं, और उसके बाद आपको कुछ नेल पेंट्स के कलर लेने हैं अलग अलग तरह के। जैसे मैंने लिए यहाँ पे 6 नेल पेंट के कलर। फिर आपको फर्स्ट कोई डार्क कलर लेना है, जैसे कि हमने ब्लैक कलर लिया है डार्क, तो आप इसमें से कोई कलर ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं। फिर अलग अलग तरह के कलर लेकर उनके ऊपर ड्रॉप रख देनी है। सबसे पहले मैंने ब्लैक की ड्रॉप रखी है, उसके बाद मैंने ऑरेंज की ड्रॉप रखी है, एंड फिर लास्ट में मैंने पर्पल की ड्रॉप रखी है इन नेल्स पर। तो अगर से आपने देखा कि मेरा नेल जो नेल है फेक में वो मुड़ जाते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक पैन ले सकते हैं एंड फिर उसके ऊपर रख देना है, एंड फिर उससे आपका नेल नहीं गिरेगा। एंड फिर उसके बाद अगर लेना होगा आपको कोई गंदा सा क्लॉथ, मतलब जो काम ऐसा क्लॉथ ले लेना है, फिर उसके ऊपर अपने नेल रखना है, एंड फिर उसका आप जो नेल पेंट लगा रहे थे जो आपको डार्क नेल पेंट अप्लाई करनी है वो आप लेकर इस पूरे पे अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए मैंने पूरे पे अप्लाई कर लिया है, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एंड नेक्स्ट आपको दूसरा वाला नेल लेना है, जैसे मेरे पास रेड है तो ये रेड हो रखा है पूरा, इसलिए मैं पूरे पे रेड कलर की नेल पेंट अप्लाई कर देती हूँ। मैंने पूरे पे नेल पेंट अप्लाई कर दी रेड कलर की। एंड नेक्स्ट मैंने थर्ड नेल लिया है, मैंने इस पर अलग अलग तरह की नेल पेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उस पर थोड़ी सी रेड हो रखी थी जिसको मैंने पूरे पे पर्पल कलर की नेल पेंट अप्लाई कर दिया है, थोड़े से इस पर सिल्वर हो रखा, थोड़े से डार्क रेड के हैं, सो इसलिए मैंने पूरे पे सिल्वर ही अप्लाई कर दिया। एंड लास्ट नेल है तो कि मैंने इसमें पूरी नेल पेंट ऑरेंज अप्लाई कर दिया, वैसे सबको ड्राई करने के लिए रहने देते हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब आपको लेने होगी क्योंकि क्लीन नेल पेंट सब पे अप्लाई कर देनी है, तो ये देखो सब पे अप्लाई कर दिया। अब जो सूखते जा रहे हैं मैं आपको दिखाती जाती हूँ, जैसे पर्पल वाला सूख चुका है इसे रख देते हैं, सिल्वर वाला भी हमारा सूख चुका है, ऐसे हमारा ऑरेंज वाला भी एंड रेड भी, ब्लैक वाला थोड़ा सा गीला है तो हम इसे और सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए मेरे हाथ से चिपक चुका है, तो मैंने पैन पर लगाकर इसे इस अच्छी तरह से रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, एंड जैसे मैंने अप्लाई कर रखे हैं वैसे अभी वाले नेल भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। सो बाय।